आज फाइनली मेरा 10 राउंड कंप्लीट हो रहा है पार्क में, क्योंकि तो रानी ने मुझे टास्क दिया था, तो आज रानी मुझे लेने आ रहा है। रानी का वेट कर रही हूँ। आज टाइम था तो मैंने आज ही 10 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आज रानी की छुट्टी भी थी। ये देखिए बहुत ही बड़ा, वहाँ जो वो जो पॉइंट है वहाँ से लेकर यहाँ से लेकर पूरा वो लंबा, और फिर इधर पाथवे है, उसके बाद फिर इधर से है आपका। ये हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम लोग अब कहीं जा रहे हैं, जहाँ जाएंगे आपको वहाँ डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। ये सरप्राइज है, बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं हम लोग। होप सो आप लोग को भी अच्छा लगे। रानी थोड़ा तो रिवील कर दिया, आप लोग गेस कीजिए। थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है, बाकी हम लोग वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे कि क्या है। थोड़ा बहुत सरप्राइज भी जरूरी है, सस्पेंस भी जरूरी है। ये गारंटी देती हूँ कि आप लोग को वो जगह बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं, बस कुछ देर का वेट है, फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोग एक्चुअली में कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी चीज आप लोग को देखने को मिलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ये है नोएडा का इस्कॉन टेम्पल। श्री जन्माष्टमी के लिए बैरिकेड्स लग गए हैं। ये देखिए गाइस, इस्कॉन टेम्पल। हम लोग जन्माष्टमी से पहले ही आ गए हैं कि क्राउड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जन्माष्टमी पे, तो अभी दर्शन कर लेते हैं। अभी भी क्राउड है, वैसे रेगुलर डे पे भी क्राउड होते ही हैं। जूते रखने जा रहे हैं हम लोग। प्रणाम कीजिए बेटा। गाइज, मंदिर बहुत ही सुंदर है। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस आप हमारे साथ मंदिर में दर्शन कीजिए, और ऐसा लगेगा आप कहीं और पहुँच चुके हैं, कहीं और, कहीं किसी दूसरी दुनिया में आप खो चुके हैं। कृष्ण लीला, आपके कृष्ण जी के सारे भगवान, सारे रूप के दर्शन आपको मिल जाएंगे। बस आप देखिए, मैं आज कुछ नहीं बोलूँगी। इस्कॉन टेम्पल की पूरी रिप्लिका है। यहाँ से पूरा मंदिर एग्जैक्टली हमें पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी जगह पे क्या क्या है। ये भी बहुत ही सुंदर था, रॉनल को तो बहुत ही अच्छा लगा। नीचे तो मंदिर सुंदर है ही, ऊपर भी छत भी बहुत ही सुंदर है। कुछ देर हम लोग यहीं पे बैठे मंदिर पे, और उसके बाद फिर हम लोग अब निकल रहे हैं जाने के लिए।
यहाँ पे निकलते टाइम भी अब ऐसा रास्ता बनाया गया है, आप एक तरीके से आपको मार्केट भी मिल जाता है भगवान जी के। आप कुछ भी सामान खरीदना चाहते हैं तो आप सामान भी खरीद सकते हैं, उनके बुक्स खरीदना चाहते हैं तो बुक, बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के कान्हा जी भी हैं, उनके वस्त्र भी हैं, तो ये भी अच्छा ही है एक तरीके से। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर किन्हीं को कान्हा जी देना है तो यहीं से ले ले रहे थे और अच्छा था। बट एक चीज़ है, थोड़ा कॉस्टली भी था, तो अगर किन्हीं को चाहिए तो वो बाहर से मार्केट के कंपैरिजन में यहाँ पे प्राइस थोड़ा हाई है, ये मुझे पर्सनली फील हुआ कि ज़्यादा प्राइस था यहाँ पे। बाकी सब कुछ कृष्णा जी के सामान जो भी हैं वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और एक मार्केट, एक शॉप से आप निकल कर फिर आपको ऐसा वहाँ पे बना दिया गया है कि आपको दूसरा बाहर निकलने के लिए फिर आपको दूसरे शॉप से ही आपको निकलना है, तो एक तरीके से अब उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो चुका है जो सेलर है उनके लिए, कि आप आराम से सेल भी कर सकते हो, जिनको लेना है वो आराम से उनको दिख जाता है तो उनके सेल्स भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सारे बुक्स हैं, गीता के सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बुक हैं, इस्कॉन टेम्पल के बुक्स हैं, और कृष्ण भगवान जी के डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर भी थे वहाँ पे, तो जिनको लेना है उनके लिए तो बहुत सही है। तो ये एक रास्ता है, इधर से आप बाहर निकल सकते हैं। तो अच्छा लगा हमें, ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। जैसे जैसे शाम हो रही थी, इस्कॉन टेम्पल की जो लाइटिंग की जो डेकोरेशन है उसमें भी बहुत ही, उसके बाद मंदिर का लुक ही समझे चेंज हो चुका था, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स वगैरह की वजह से बहुत ही सुंदर लग गया। और यहाँ पे बाहर में ये गौ माता है, और साथ उसके जस्ट सामने ही आपको कृष्ण अर्जुन की ये रेप्लिका भी बहुत ही सुंदर बनाई गई है। में अब लाइट्स भी चेंज हो रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है, वाव ओ वाव। अच्छा परफॉर्मेंस रहा इन लोगों का, सही टाइम पे आए हम लोग। रानी मजा आया डांस देखकर?